नमस्कार भैया बहनों, आज हम हिंदी व्याकरण का प्रमुख टॉपिक वर्ण वर्णमाला की परिभाषा के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण या अक्षर उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं की जा सकते, जैसे ई अ ई ख इत्यादि। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई है और इसके और खंड नहीं किए जा सकते, यानी वर्ण जो है, जो भी भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई कहलाती है। उदाहरण द्वारा मूल ध्वनियों को यहाँ स्पष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर दो शब्द दिए गए हैं, राम और गया, तो इन दोनों में चार चार मूल ध्वनियाँ हैं जिनके खंड नहीं किए जा सकते। जैसे देखें, र धन आ धन म धन अ बराबर राम, ऐसे ही ग धन अ धन य धन आ यानी गया। इन्हीं अखंड मूल ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। हर वर्ण की अपनी लिपि होती है, लिपि को वर्ण संकेत भी कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भाषा के समस्त वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है। हिंदी में देखें तो अ आ क ख, अंग्रेजी है तो ए बी सी डी, यह प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला है। वर्ण के भेद देखें, हिंदी भाषा में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? देखें, वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है वह स्वर कहलाता है। इसके उच्चारण में कंठ तालु का उपयोग होता है, जीभ होठ का नहीं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर है, जैसे अ आ ई ई उ ए ऐ ओ औ री। स्वर के भी भेद हैं। देखें, स्वर के दो भेद होते हैं, एक है मूल स्वर, दूसरा है संयुक्त स्वर। पहला जो भाग है स्वर का, उसके मूल स्वर के भी तीन भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। दूसरा है व्यंजन। जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसकी परिभाषा देखें तो व्यंजन उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है, जैसे क ख ग च छ त थ द भ म इत्यादि।